जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार द्वारा एक नारा चलाया जाता है, स्वच्छ भारत अभियान। लेकिन क्या इस पर अमल किया जा रहा है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नरेला की पंजाबी कॉलोनी की, जहाँ पर कूड़े का अंबार लग चुका है। आपको बता दें कि जिस जगह पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है, वह निजी जमीन बताई जा रही है। वैसे तो सभी जानते हैं अपने आसपास सफाई रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन फिर भी लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर निजी ज़मीन पर यहीं के स्थानीय लोगों ने कूड़े का अंबार लगा दिया है, जिसकी वजह से उन्हें खुद ही काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी सर, नाम बताइए। पारस। पारस जी, क्या क्या समस्या आई हुई आपके क्षेत्र में बताइए। पंजाबी कॉलोनी गली नंबर 3, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है जी। साफ सफाई का कोई ध्यान ही नहीं रखता जी। कोई कार्यक्रम करवाए यहाँ पे, 4 दीवारी करवाए। कोई आपने इसकी शिकायत वगैरह दी है किसी को? करी थी, कोई सुनवाई नहीं होती पूरी जी। उसे करवाओ इस काम को पूरा। सर नाम बताइए। देवेंद्र शर्मा। शर्मा जी, कहाँ पे रहने वाले और क्या क्या समस्या आई हुई है? गली नंबर 3 जी, बताइए क्या समस्या है। वे रहने वाले हैं, यहाँ पे खाली प्लॉट पड़े हुए हैं, यहाँ जो है बहुत ज़्यादा गंदगी हुई है, तो कृपा करके थोड़ी सी सफाई करवाई जाए जी। अगर बात की जाए तो किसकी लैंड है ये, कौन है इसका मालिक? टिकरी गांव के हैं और पर्सनल प्लॉट है जी। इन प्लॉटों के 4 दीवारी करवाई जाए, यह दिक्कत ज़्यादा हो रही है यहाँ जी। अड़ोस पड़ोस में पानी भी बहुत ज़्यादा, बरसात का पानी भी, गंदगी भी बहुत ज़्यादा होती है, मच्छर व मलेरिया की भी शिकायत हो रही है जी। सर नाम क्या है? सीताराम। सीताराम जी, कहाँ पे रहने वाले हो आप? 7 जी ब्लॉक जी, नंबर 2 जी। क्या क्या समस्याएं बनी हुई है आपके क्षेत्र में बताइए? अड़ंगा पड़ा रहता है, पानी भरा रहता है जी। छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं तो बीमारी होने का खतरा है, साफ सफाई का कोई ध्यान दे नहीं रहा जी। डेंगू का सीजन आया हुआ है, बीमारियां भी ज़्यादा, बीमारियां भी ज़्यादा हैं जी। हाँ, एक गलियों में गाड़ी खड़ी करते हैं, रास्ता नहीं आने जाने। साथ ही यहाँ पास में एक स्कूल भी है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। आपको बता दें कि इस गंदगी की वजह से काफ़ी सारी बीमारियाँ पैदा होती हैं, जिसका सीधा असर बच्चों की सेहत और आसपास के रहने वाले बड़े बुजुर्ग पर पड़ सकता है। हमारी दिल्ली समाचार की टीम ने वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत की, तो आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।